Teachers. My name is Bilal Khan and I'm your teacher for financial reporting and ECCA paper from skills module. And today we are going to learn about intangible assets. In our last video, we almost completed our video regarding IAS 16 intangible assets. But there is a little topic remaining, which I will cover later in my videos. Then I will inform you and share the link below in my previous videos. So today we are going to learn about intangible assets. Or aaj intangible assets ko hum dekhenge ki intangible assets kya hote hain aur iski treatment kaise hoti hai as per IAS 38 aur isme aur tangible assets mein farak kya hota hai. To aaye shuru karte hain. Intangible assets, जैसे कि हमने अपने आई 16 जब स्टार्ट कर रहे थे तो हमने देखा था कि intangible assets क्या होते हैं और tangible assets में क्या फ़र्क होता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं. तो IAS 38 कवर करता है intangible assets को. और intangible assets क्या होते हैं उनकी examples मैं थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ यहाँ पर, बाकी differentiation आप जाके उस पिछली वीडियो में देख सकते हैं. टेंजिबल एसेट्स जैसे कि हमारे होते हैं पीपी, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल एक्सेट्रा, जितनी भी टेंजिबल एसेट्स होती है वो होते थे जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है. इनटेंजिबल एसेट्स की लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर गेम्स, आईपीस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ब्रांड नेम, गुडविल एक्सेट्रा, ये सारे आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं. ये भी आप देख सकते हैं. फ्रेंचाइजेस, जो आपकी फ्रेंचाइजिंग होती है, फ्रेंचाइजेस होती हैं क्योंकि आप वहाँ पे राइट टू राइट दे रहे होते हैं, तो इस सेंस में जो फ्रेंचाइजेस होती हैं वो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं. लाइसेंसेज हो गए, आपको गाड़ी का लाइसेंस है, बाइक का लाइसेंस है, दैट इज योर इंटेंजिबल एसेट बिकॉज दे आर गिविंग यू द राइट टू ड्राइव द कार, राइट टू राइड योर बाइक, राइट. ब्रांड नेम्स हो गए, जितने नाम हो गए, गुडविल्स हो गई, मेल लिस्ट हो गई, कॉपी राइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क्स हो गए, माइनिंग क्लेम्स हो गए. माइनिंग क्लेम्स लाइक आपको अगेन जो है वो अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप डिगिंग कर सकते हैं वहाँ पे, ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, जैसे ऑयल डिगिंग कंपनीज को जरूरत होती है. तो दीज आर ऑल इनटेंजिबल एसेट. इसके अलावा जैसे कि कंप्यूटर गेम्स हो गई, सॉफ्टवेयर्स हो गए, राइट, ठीक है. तो कंप्यूटर गेम्स अगर आप खेलते हैं वो सारी जो है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं. इसके अलावा अगर आप देखें ड्रग्स हो गए, यू विल से के ड्रग्स किस तरीके से इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं. ड्रग्स जो होते हैं आपके जो है वो आपकी जितनी टैबलेट्स वगैरह जो आप लेते हैं इन केस ऑफ सिकनेस, तो वो सारी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं. क्यों? क्योंकि उसके बिहाइंड एक फॉर्मूला होता है, ठीक है. दैट इज वाई योर ड्रग्स आर बेसिकली इंटेंजिबल एसेट्स और वो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स में एज पर IAS 38 कवर हो रहे होते हैं ड्यू टू दैट फार्मूला, राइट. तो ये मैंने सारी एग्जाम्पल शेयर कर दी, डेफिनेशन जिसका मैंने कहा आप इतनी वीडियो में जाके देख सकते हैं. अच्छा, इनटेंजिबल एसेट्स दो तरीके से हो सकते हैं अगेन, जैसे कि टेंजिबल एसेट्स होते हैं परचेज भी कर सकते हैं आप जाके डायरेक्टली मार्केट से, जैसे कंप्यूटर गेम्स होती हैं जाके आपने कंप्यूटर गेम जाके आप शॉप पर गए और आपने जाके कंप्यूटर गेम परचेज कर ली, कोई भी आपने कंप्यूटर गेम परचेज कर ली. लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं कुछ हैं तो आपने कंप्यूटर गेम खुद ही बना ली, तो आप परचेज भी कर सकते हैं, जाके मार्केट से परचेज कर सकते हैं बनी बनाई और जाके आप खुद भी बना सकते हैं. अगर परचेज करते हैं तो क्राइटेरिया सिर्फ दो हैं, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली और दूसरा इट इज प्रोबेबल दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी. सिर्फ दो क्राइटेरिया हैं, ये ऑलमोस्ट वही क्राइटेरिया हैं जो IAS 16 में टेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए जरूरी होते हैं. तो दीज आर दोज क्राइटेरियाज, बेसिकली देयर इज नथिंग चेंज इन इट. इंटरनली डेवलप में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है रिसर्च फेज. इंटरनली डेवलप मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं फॉर एग्जांपल, तो आप खुद सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं रादर देन आप जाके मार्केट से परचेज कर रहे हैं. तो रिसर्च फेज में आप क्या करेंगे, रिसर्च फेज क्या, जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर बनाना था उससे पहले आपने रिसर्च की, उसकी वायबिलिटी, उसकी चीजें, आपने किस तरीके से बनेगा, कितना उस पर एक्सपेंस आएगा, आपने उसकी बजटिंग की, दैट इज कॉल्ड बेसिकली योर रिसर्च फेज. आप सारी रिसर्चिंग कर रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे और फॉर एग्जाम्पल आप सॉफ्टवेयर बनाकर बेचना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर बनाकर बेचना चाहते हैं, तो आप उसकी सारी वायबिलिटी चेक करेंगे, कमर्शियल वायबिलिटी चेक करेंगे आप उसकी सारी कि आप जब उसको बना लेंगे तो वो बिकेगा भी या नहीं बिकेगा, ठीक है. तो ये सारी रिसर्च फेज में आप डिसाइड कर रहे हैं. रिसर्च फेज में जो भी एक्सपेंस आता है एज पर IAS 38 हम उसको एक्सपेंस आउट करते हैं, क्योंकि रिसर्च फेज में हमें ये नहीं पता कि वो हम एसेट बनाएंगे भी या नहीं बनाएंगे,
लाइक यू आर रजिस्टरिंग, व्हेन यू आर रजिस्टरिंग फॉर ACCA, आपने क्या किया होगा कि एक रिसर्च की होगी कि मैं ACCA करूं, CA करूं, CFA करूं, सिमा करूं, ICMA करूं, वॉट एवर, ठीक है? तो एक रिसर्च कर रहे थे आपने, तब डिसाइड नहीं किया था कि मैं अकाउंटेंसी फील्ड चूज करूंगा। हो सकता है आपने ये सारे रिसर्च करके और आप इंजीनियरिंग की तरफ चले गए, ठीक है? तो दैट इज वाई जो है आई सर्टिफिकेट कहता है कि रिसर्च फेज को आप एक्सपेंस आउट करो और दैट इज योर लाइक अ सन कॉस्ट। देन डेवलपमेंट फेज, आपने रिसर्च कर ली, अब आप उसको बनाना शुरू कर रहे हैं। बनाना शुरू करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया मजीद मीट करना जरूरी है। मैं वो क्राइटेरिया बता देता हूँ। ये जो दो आपने क्राइटेरिया देखे थे, ये जो आपने दो दो क्राइटेरिया देखे, कॉस्ट यानी मेजर रिलायबली, ठीक है, एंड इट इज प्रोवाइड द इकोनॉमिक बेनिफिट एज वेल फ्लो टू द एंटिटी। इसके अलावा सिर्फ दो क्राइटेरिया और ऐड होंगे डेवलपमेंट फेज में, तीन क्राइटेरिया सॉरी। टेक्निकली फीजिबल मीन्स उसकी फीजिबिलिटी है, टेक्निकली मतलब साइंटिफिकली वो सही सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कमर्शियली वाइबल, कमर्शियली उसकी वर्थ है, मतलब बेचेंगे तो बिकेगा, उसकी मार्केट वैल्यू है। एंड इंटेंशन एंड एबिलिटी टू कंप्लीट द एसेट, इंटेंशन भी है, एबिलिटी भी है टू कंप्लीट द एसेट फॉर सेल और यूज, सही, फॉर यूज। तो आपने ये तीनों पांचों क्राइटेरिया, मतलब दो पहले वाले और ये तीनों पांचों जो आपके कंप्लीट होंगे तभी आप डेवलपमेंट फेज में एसेट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप एसेट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, आपको एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे होते, चाहे हम परचेज करें चाहे इंटरनल डेवलप करें, तब भी हमें एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा अगर क्राइटेरिया मीट नहीं होते, ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स की या तो डेफिनेट यूजफुल लाइफ होगी या फिर इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ होगी। डेफिनेट मतलब लिमिटेड लाइफ, स्पेसिफिक कोई लाइफ होगी, 10 साल, 5 साल, कोई एक लिमिट होगी। इनडेफिनेट कोई लाइफ नहीं होगी। जब भी डेफिनेट यूजफुल लाइफ होती है तो हम इनटेंजिबल एसेट को एमोर्टाइज करते हैं। एमोर्टाइज द टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन, लाइक हम टेंजिबल एसेट्स में डेप्रिसिएशन करते थे, तो चाहे वो हम रिड्यूसिंग बैलेंस से करें चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड से करें, यहाँ पर हम जो है एमोर्टाइज करते हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड से करें चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करें, क्योंकि डेफिनेट यूजफुल लाइफ है, हमें लाइफ पता है, तो हम इसकी एमोर्टाइजेशन करते हैं। एक तरह से इंटेंजिबल एसेट की ये डेप्रिसिएशन भी कहलाती है। अगर इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ होती है, लाइफ अनलिमिटेड है, जैसा कि कुछ चीजों से विंडोज की मैं एग्जाम्पल नॉर्मली देता हूँ, इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ होती है, इनकी लाइफ हमें पता नहीं होती कि कब ये प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगी, कोई इसकी लाइफ नहीं होती। जैसे विंडोज 98 आया था, उसके बाद विंडोज XP आया है गैस, फिर मी आया, ऐसे मल्टीपल विंडोज आया, 11, 10, देन विंडोज 7 बहुत अरसे तक चला। तो ये जो सारे आपके विंडोज थे, इनकी कोई स्पेसिफिक लाइफ नहीं थी, जब दूसरी आ गई तो उसने उसको ओवरकम कर लिया, लेकिन कोई इसकी लाइफ एज सच नहीं बताई गई थी कि इतने साल चलेगी या उतने साल चलेगी। तो हम उस केस में क्या करते हैं, इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं एज पर IS-36, जो कि हम IS-36 में पढ़ेंगे किस तरीके से करते हैं। तो जब भी इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ हो एसेट की, तो हम उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं एज पर IS-36, और जब भी डेफिनेट यूजफुल लाइफ होगी तो हम उसकी एमोर्टाइजेशन करेंगे एज पर IS-38। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज इन IS-38 के एसेट्स टू बी इम्पेयरमेंट टेस्टेड। कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिनकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, जैसे कि हम ना इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं, लेकिन कुछ एसेट ऐसे होते हैं कि उनकी हमें हर साल करनी होती है। क्यों? क्योंकि IS-36 बोलता है कि जब भी इंडिकेशंस मिले तब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करो, जो हमारे IS-36 में पढ़ेंगे भी। लेकिन कुछ एसेट का बताता है कि आप हर साल करो, चेक करो कि इम्पेयरमेंट लॉस तो नहीं आ गया, तो यानी कि उसमें इंडिकेशन की जरूरत नहीं है। वो कौन से एसेट हैं? वो ये हैं, इनटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ। ये बात वहां पे मैं बताता हूँ और इधर भी बताता हूँ, दोनों जगह बताऊंगा। कुछ
कुछ जैसे कि इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट फेज के अंदर है तो हम उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं हर साल के ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज, कहीं वो इम्पेयर तो नहीं हो गया। और गुडविल अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन आईएफआरएस सीरीज, जब हम कंसोलिडेशन देखेंगे तो उसके अंदर मैं कवर करूंगा, जो भी गुडविल होती है उसकी भी बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर उसकी भी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है हर साल, हमें उसको टेस्ट करना होता है कि कहीं वो इम्पेयर तो नहीं हो गया। तो ये तीन एसेट्स हैं इंटेंजिबल एसेट इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ जैसे कि ये वाले, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट जैसे कि अभी हम देखेंगे थोड़ा सा नीचे, और गुडविल अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन जो गुडविल नेम होता है, नेम ऑफ द बिजनेस, अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन एज पर आईएफआरएस थ्री कंसोलिडेशन, हम उसको भी हर साल टेस्टिंग करते हैं कि कहीं वो इम्पेयरमेंट टेस्टेड तो नहीं हो गया। ठीक है जी, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे, जैसे कि मैं कहता हूँ हमेशा, के नीचे कॉमेंट करें और मुझसे पूछ सकते हैं आप। री इंस्टेटमेंट जो है, अब हम देख रहे हैं री इंस्टेटमेंट दिस इज नॉट अलाउड अंडर IS-38, ये कहता है कि मैं मना करता हूँ। री इंस्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आपको मैंने ऊपर जैसे बताया कि आप डेवलपमेंट फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट करते हुए ऐसा हुआ कि क्राइटेरिया फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट थी 3 ईयर्स की, ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ बनाई भी हुई है, और उस डेवलपमेंट में आपको पता चला कि पहले साल तो क्राइटेरिया मीट नहीं करा, और जब भी क्राइटेरिया मीट नहीं करता तो हम एसेट को एक्सपेंस आउट करते हैं। तो देखें कि मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए को जो कि मेरा डेवलपमेंट फेज में लगा था वो मैंने एक्सपेंस आउट कर दिया 100,000, सही है, एक्सपेंस आउट कर दिया क्योंकि हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, क्राइटेरिया नॉट मेट। सेकेंड ईयर पे आए, क्राइटेरिया मीट कर गए, सेकेंड ईयर में जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट करी एसेट की डेवलपमेंट पर वो क्राइटेरिया मीट कर गए, 50,000 क्राइटेरिया मीट कर गया, तो मैं 50,000 को यकीनन कैपिटलाइज करना चाहिए, मुझे बिल्कुल करना चाहिए। तो यहाँ पर रीइंस्टेटमेंट का मतलब ही ये है कि ये जो 1 लाख है ये एक दफा जब एक्सपेंस आउट हो गया तो हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते कि अगर फ्यूचर में क्राइटेरिया मीट कर जाए, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। एक दफा एक्सपेंस आउट कर दिया ड्यू टू नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया, ड्यू टू नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया, मैं अगेन ये वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, ड्यू टू नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मीट नहीं करा तो हमने उसको एक्सपेंस किया था, तब ही हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन एरर आपने इसको गलती से ये अगर आपने एक्सपेंस आउट कर दिया था तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं और फिर आपका क्या होगा, 150,000 रिकॉर्ड होगा। अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं करा था तभी आपने किया था तो सिर्फ 50,000 को हम कैपिटलाइज करेंगे, 150,000 को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ये सिर्फ उसी केस में पॉसिबल है अगर हम एरर करते हैं। ठीक है जी, तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था रीइंस्टेटमेंट का भी। तो यहाँ पर आकर ये लिमिटेड सा हमारा स्टैंडर्ड है इसके अंदर एफआर लेवल पर, होपफुली आपको समझ में आया होगा और इसको वीडियो को 2-3 बार देखिएगा इजीली आपके लिए जो है, मेरे ख्याल में बहुत छोटी सी वीडियो है, कोई इतनी बड़ी वीडियो नहीं है, आपको बहुत स्टैंडर्ड भी बहुत आसान है तो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है एफआर लेवल, क्योंकि एफआर लेवल पे नॉलेज कम होती है तो वो छोटे स्टैंडर्ड को भी पकड़ के आप सवाल करता है, स्पेशली इन MCQs एंड MCQs लेवल। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा जैसे कि मैंने कहा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं एक और न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा और आपके लिए एक और अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।